तेरी आवाज में छोरे मजा आ गया, इसीलिए तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एक बार और अलाप लगवा दे। सुन ले मेरी बात। हेलो, ये कौन है? सहेली। ये मेरी सहेली है जो मेरे साथ बियाबान जंगल में मेरे वर को टोहने में मेरी मदद कर रही है। मेरी सहेली का उकना फूकना हो गया? नहीं, अभी मेरी सहेली का भी उकना फूकना नहीं हुआ। रणवी है? अभी रणवी, प्योर रणवी ढूंढ रही हूँ मैं भी। अच्छा। तू मत ढूंढे, तेरे लिए हम ढूंढेंगे। क्या है बड़ी बात? सुनिए, तेरे मिलन की रती रे मिलन की, तेरे मिलन की बात बात में घने हण बोले मन। ताली बजाओ एक। अच्छा सावित्री, हाँ। यानी कि ये जो राजकुमारी सी मुझे लागे है, हाँ। इस पे तो नाचना भी आता है? हाँ, वो तो आता है थोड़ा थोड़ा सा। गाना आता है तेरे पर? थोड़ा थोड़ा सा। नाचना भी आता है? थोड़ा थोड़ा सा। और क्या आता है? सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। ढोलक बजानी आती है? नहीं, ये तो मैंने सीखी नहीं। नक्कड़ा सीखा? नक्कड़ा ये भी नहीं आता। दो लकड़ियों से बजाया जाता है? बहुत मुश्किल काम है, मुझसे होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो बात छोड़, नक्कड़ा बजाना तो काने लोग भी सीख गए, तू तो जिसमें ठीक ठाक है। अच्छा, हाँ सही मेरी बात। और सुन, अच्छा एक और साज है हमारे पे जो दो लकड़ियों से बजाया जाता है। अच्छा एक और भी है? हाँ, इसकी ट्रेनिंग महेंद्रगढ़ में ली जाती है जी। चलो इसी तो मैं देख लूंगी। अच्छा नहीं, आप सिखाओगे तो मैं सीख लूंगी। कहियो पता कैसे है? हाँ, तेरे तीर तेरे मिलन की पाट बात में घने हण बोले मन। कुछ जान के रना चाहवे से, शायद तू बंगाल जाई है, बंगाल की जादू करनी है। जादू जानती हूँ मेरे पर जादू, कब से मैं कर लूंगी। ओहो, कुछ जान गिरना चाहवे सैन्यो पति जान हो लई मने। शादी कर तेरे किसी मर्द की आन कान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की मेरे हूरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हांडन की हूरबान हो लई मने। मतलब ने गाथने यारे, तू खोले सच्चे मचली जा, हर लकड़ी गाथने यारे, तू खोले सच्चे मचली जा, हर लकड़ी गाथने यारे, तू खोले सच्चे मचली जा, हम लकड़ी गाथने यारे, तू खोले सच्चे मचली जा।
कंट्रोल, क्या कर रहे हो? ढोलक वाले को कह रहा हूँ। उसने बेचारे ने गरीब ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा है? गरीब कैसे, इसके दो बहू हैं। अरे तो दो बहू है तो क्या हुआ, इसीलिए तो कहती हूँ तुम्हारे भी तो दो होनी चाहिए ना। लेकिन ये बार बार कूदना ये ढोलक वाले के ऊपर क्या बात है? ये है क्यों भाई, तुम हंस रहे थे, तुम गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? कितने ऐसे आदमी बैठे हो जिनके दो बहू है? इनमें ऐसे भी बैठे हैं, दो की बात कर रही, पांच पांच भी रखने को तैयार है, ऐसे भी बैठे हैं। इनमें इतने भी परेशान बैठे हैं जो यहाँ तक क्लियर न्यू का परमात्मा कब इस तक पास करते। अच्छा नहीं देखो मना कर रहे, नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो क्या तो ये करेंगे। आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है। कौन सा? कि सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन दुनिया में? कौन? तो नीचे जवाब लिख रहा है, जिसकी पत्नी जून के महीने में अपने अपने पीहर ना जाए वो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। हाँ भाई बोलो, थारी कौन कौन की गई है जून के सच्ची महीने में? बात है, सच्ची, बिल्कुल सच्ची, ऐसा ही है। अरे क्यों खोबे सहते में चली जा, हम लकड़ी का करें यारे, क्यों खोबे सहते में चली जा, अरे हम लकड़ी का करें यारे। अरे सुनिए लगता है चाहती है। बिल्कुल, तो पहले मेरी बातों का कुछ बातों का जवाब दे। बताइए तू कौन कड़ेगी, तू कौन कड़ेगी, कौन कड़ेगी, कौन कड़ेगी रहने आली। अच्छा बता कहां घर दान तेरा? मैं तो मगध देश में रहा करूं सावित्री है नाम मेरा, बियाबान में हांडन का, मोटा बाबा के यहाँ हांडन का, भला सावित्री के काम तेरा। चूड़ी का वर मिलया नहीं न्यू, छुप गया ऐसा राम मेरा, चूड़ी का वर मिलया नहीं न्यू, छुप गया ऐसा राम मेरा। प्रिया बिस्क तेर जहर हो, आशिक कोड़ कोहड़ रकोड़े, आशिक काले नाग जहर थे, दुनिया रे पटनी आले, हीरे खसिक काले नाग जहर थे, हे कमला रे पटनी आले, आशिक काले नाग जहर थे। कहाँ जा रहे हो? जब तू नागनी बन रही है तो तू अपने जहर में परे ही राख। मैं नहीं ऐसे कैसे परे रख, इधर आइए। हाजी ऐसे थोड़ी पीछा छोड़ने वाली हूँ, मान जा तू हार जाएगी। शादी तो करनी है तो करनी है तो। ए, मैं तो इनके बीच में जा रहा हूँ, तू चल के दिखा। मैं भी आ जाऊँ। वैसे ये इतने शरीफ छोरे बैठे, चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आशिक काले नाग जहर पे, दुनिया रे पाटले आड़े, क्यों खोबे से मैं चली जा,
सुना। तीर मर्द वीर का शरीर एक जैसे मर हम रह से लौटे में राजपाट आनंद छोड़ के राजपाट आनंद छोड़ के पता के फायदा दुख मोटे में तेरी गैल लकड़ी रगहल लाके तेरी गैल लकड़ी आटियोगी दियो सात नफे और टोटे में तेरी पतली रकम और चरब आजादी अरे दादा बदल भरो के में तेरी पतली रकम और चरब आजादी अरे दादा बदल भरो के में दुख की परवाह नहीं पीर ने की परवाह नहीं पीर ने बाल में रंग छाटे आने मैंने थोड़ी के हाथ ही मत लगाया मुझे यही बहुत पसंद आती है। अच्छा भाई एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, यहाँ इधर आ, यहाँ माता बहन बैठी है जी, सच बताइयो रे झूठ मत बोलियो कोई भी जिनकी शादी हो रखी है। हरी भरी बिल्कुल सच बताइयो। अच्छा अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत कौन कौन रखा करे? हाथ उठाओ जल्दी से, हाथ उठाओ, सारी रखती है ना, सारी रखती है, उठा के उसको हाथ। 20% है बस, 20% आधी तो बूटी ना है। अच्छा भाई यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे, भाई साहब एक बात का वो निर्णय करना, यो करवा चौथ का व्रत करने से क्या पति की उम्र बढ़ जाती है क्या दोस्तों? ये ढोंग पाखंड है कि नहीं? मारा ये ढोलक वाला ये बैठे छोरा, इसका दो बहू हैं। एक दिन यूं बोले गुरुजी मैं तो प्रोग्राम करके गया और दोनों की दोनों वहां छालनी लेकर गेट पर खड़ी थी। मैंने बोले रे के बात होगी क्यों लड़े हैं? तो बड़े प्यार से बोली इसकी तरह ठोड़ी के हाथ लगा के, नी बोली ये नंदी के बीरा यू है ना नदी का बीरा ले रहा है, सही बोल रहा है, मोल तो यू ही ले रहा है, इसकी करवा चौथ ना रखती। नी बोली यो छलनी लेके न्यू खड़ी है दोनों, आज छलनी में का तेरा मुंह देखेंगी, उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत है। ये छोड़ा तो हमारे टीम में रहे है, एकदम जोश में भर के न्यू बोले रहा बैरन छलनी में मैं तो मेरा मुंह भी ऐसा लगेगा जैसे मेरे चेचक की बीमारी हो रही हो। मेरी माता बहनों करवा चौथ का त्योहार रखने से व्रत रखने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, पति की उम्र बढ़ानी है तो इस पर तो सीख लो सलीका, जिद भी काम करके आवे एक बार ठोड़ी के हाथ लगा के न्यू बुझ ले ये नंदी के वीर, गरम पानी तो ना आवेगा कि ठंडे ते, गरम रोटी खावेगा कि ठंडी खा लेगा, तू कहे तो चूरमा बना दू बाटी बना दू, उम्र बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी। और कोई कोई इसी हो पति 10 दिन में कमा के आवे और आते ही सारे के लाल मिर्च की चटनी धर दे, जो 60 साल जीता हो 40 में ही घुलट लेगा मर लेगा। नहीं ऐसा तो नहीं करते बेचारे, बता तू भी करवा चौथ का व्रत रखेगी के? अरे शादी होगी तभी तो करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अच्छा हम अपने आप गरीब पता किस उसके दुख बांटे रे जी। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है तेरी मूरत जैसी
ब्याह नहीं करना चाहिए, रंडवा रहना चाहिए। हेलो, ऐसा कुछ नहीं कहोगे, ब्याह नहीं करना चाहिए, रंडवा रहना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो यू कहाँ से आते हैं सारे के सारे? ये बिल्कुल सही बात है, ब्याह नहीं करना चाहिए। अजी क्यों नहीं करना? अच्छा सोच में खा के बिल्ली हाथ। मुझे 3 महीने का एक्सपीरियंस है। खूब बढ़िया है। इधर आ, ये ना ब्याह करवा कर। नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इधर आना है, इधर। अच्छा, वहाँ नहीं जाना, यही कहिए जो कहना है। ढोलक वाले पर अपना जोश उतारा? नहीं नहीं, सारा जोश उधर नहीं उतारना, खराब नहीं करना जोश। तेरा प्यार कर वहाँ के मानस सके, भाई जी ने खाने हुआ करे। तेरा प्यार कर भाई बिना गाबिरू उतल मारे हुआ करे। घर पास ते कुटम फैल जा। बिंदु बिंदु रीना रीना बीना बबीना जीना। बस 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 बस, बहुत है इतने। इतने बालक, इतने ही बहुत है। इतने बालक? हाँ इतने ही। तू भी इतने ही बालक करेगी? हाँ इतने तो होने चाहिए। ना मेरे बस की यो ईद मनाना नहीं है। अरे बरबा से कुटम फैल जा, घने पवारे हुया करे। एक बात और बता देती हूँ। बता। जिस घर में बालक बालक रह रहे, इधर आइए। जिस घर में बालक भीड़ नहीं होता, भाग के मारे हुया करे। घर